वेलकम टू माय चैनल एके क्रोशेट जी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे प्यारे से बेबी मिटन्स फॉर 0 to 3 months न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और इसके लिए हम इम्पोर्टेड यार्न यूज़ करेंगे। ये मैंने नेको लाइट से बनाया है। और अब हम आज जो मैं आपके साथ वो यूज़ करूँगी वो है यूनो बेबी यूनो, और एंटी पिलिंग यार्न है ये। हुक हमें चाहिए 3.5 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे जी। तो जो है मैजिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे हम। चेन वन करके हम मैजिक सर्कल में 9 DC बनाएंगे। ये हमने पहला DC बनाया डबल क्रोशे। ये अब हम बाकी के 8 DC बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 DC बन गए। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे पहले DC में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा हमारा पहला DC। इस पर हमने इसकी टिप पे स्लिप स्टिच किया। नाउ सेकेंड रो, टू डी सी इन ईच स्टिच। चेन थ्री करेंगे काउंट एस 1 DC। फिर हर DC पे इस पर एक और DC किया हमने, और फिर हर स्टिच पे हम 2 DC करेंगे। जी तो ये स्लिप स्टिच कर लिया। क्योंकि राउंड क्लोज हो रहा है तो हम स्लिप स्टिच करेंगे थर्ड चेन पे, और ये हमारा राउंड क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखें इसका कर्व शेप आ रहा है। अब हम थर्ड राउंड पे चेन करके एज अ काउंट एज अ फर्स्ट DC, और अब हम इसी पे 2 DC करेंगे। सेकेंड DC करेंगे तो हमारे 2 DC बन गए। अब हम नेक्स्ट स्टिच पे 1 DC एंड देन अगेन थर्ड पे 1 DC, 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC डबल क्रोशे इन 1 स्टिच, देन सिंगल DC डबल क्रोशे इन नेक्स्ट 2 स्टिचेस। दूसरी और तीसरी स्टिच पे हम 2 सिंगल डबल क्रोशे करेंगे। पहली पे हमने डबल सिंगल डबल पहली पे डबल 2 डबल क्रोशे किए, और दूसरी और तीसरी पे हमने सिंगल किए। ये कंप्लीट करके जी, तो ये मैंने 9th रोज तक कंप्लीट कर लिया है अपना। 3, 3 और ये 9, एक रो मैंने और इसमें बना लिया। अब मैं इसके लिए अब जी तो अब मैं ये इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं ये डालनी है हमें, तो हम इसके लिए एक रो बनाएंगे। हमने 2 चेन्स की और सेकंड पे हमने 1 DC किया। अब हम 2 चेन्स लेके और स्किप करेंगे 2 स्टिचेस को, और फिर अगेन 2 चेन्स 2 DC करेंगे। फिर अगेन 2 चेन्स लेंगे और हम नेक्स्ट पे स्किप करेंगे 2 स्टिचेस को, एंड अगेन हम 2 DC लेंगे इन नेक्स्ट 2 स्टिचेस। फिर अगेन हम 2 चेन्स लेके 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, और 2 स्टिचेस पे हम अगेन 2 DC लेंगे। ये देखें इस तरह से, पहले 2 DC, टू सॉरी SDC, फिर हमने 2 चेन्स लेके 2 स्टिचेस स्किप किए, फिर 2 HDC, एंड इसको हम कंटिन्यू करेंगे 2 चेन्स लेके 2 स्टिचेस स्किप करके 2 HDC हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग को यहाँ से हम करके और क्लोज कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच किया और हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्कैलप्स बनाएंगे। चेन वन करके हमने 2 स्टिचेस स्किप करनी है, और थर्ड पे हमने 5 और 6 DC बनाने हैं। चेन वन करके 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड स्टिच पे हमने 5 और 6 अपने DC बना लेने हैं। तो आपकी मर्जी है जितने बनाए। और फिर अगेन हमने 2 स्टिचेस स्किप किया, और थर्ड पे हमने स्लिप स्टिच किया। चेन वन अगेन हम 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, और थर्ड पे हमने 5 और 6 DC बनाएंगे। ये हमारे स्कैलप्स बनना है या शेल स्टिच कह लें आप इसको।
ये देखो इस तरह से मैं आखिर तक आपको बना के शो करती हूँ जी। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम इसको कट करके थ्रेड को और से ऑन करेंगे। ये हमारे इसका ये शेप आ रहा है। और अगर हम इसमें हमेशा अपने पास स्मॉल हुक रखे हैं सीवन करने के लिए, ये आपके काम आता है। ये हमारा सेंटर पार्ट था और ये हमारा, अब हम इसको सीवन कर लेंगे अपने थ्रेड्स को। ये हमारा रेडी है। मैं इसकी आपको स्ट्रिंग्स बना के और इसमें ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ये 100 और 110 चेंज की आप स्ट्रिंग बना लें सिंपल। और इसको आपने ये पे सबसे पहले स्लिप नॉट लगानी है, और फिर आपने इसको सिंपल चेंज लेके आपने इसको जितनी आपने चेंज लेनी है आपने ले ली, और फिर आपने कट करके और इसको वो चेन वन से ऐसे निकाल देना है। तो ये आपकी, इसको आपने कट कर देना है और फिर आपने इसमें से गो थ्रू करना है। तो ये आपकी इस तरह से स्ट्रिंग्स रेडी हो जाएंगी और आपने इसमें लगा देनी है। सो गाइज होपफुली आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने किस वूल से बनाया और आप लोगों को कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।